हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। अब से ठीक 11 दिन पहले यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा था जब ओपनिंग सेरेमनी कॉमनवेल्थ की हो रही थी और मैं भारत के परफॉर्मेंस के बारे में आपसे बात कर रहा था और मैंने कहा था कि किस तरह से 4 साल पहले भारत को 66 मेडल्स मिले थे जिसमें 26 गोल्ड मेडल्स थे और चूँकि इस मरतबा ये शूटिंग नहीं है तो क्या भारत अपने परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाएगी। भारत ने ऑलमोस्ट रिपीट कर दी, भारतीय एथलीट्स ने ऑलमोस्ट रिपीट कर दी उस परफॉर्मेंस को। टोटल 61 मेडल्स, 22 गोल्ड मेडल के साथ भारत चौथे नंबर पे, पिछले मरतबा तीसरे नंबर पे, इस मरतबा चौथे नंबर पे भारत यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है। नए नए खेलों में भारत को कामयाबी मिली है। आज जैसे पीवी सिंधु जो इंडिया की गोल्डन गर्ल है, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। लॉन बोल्स में भारत को गोल्ड मेडल मिला। ट्रैक एंड फील्ड में टोटल 8 मेडल्स ट्रैक एंड फील्ड में भारत को मिला। तो इस तरह से भारत ने नए नए खेलों में अपने झंडे गाड़ दिए। बहुत सारे जज्बाती लम्हे, इमोशनल सीन्स भी वहाँ पे आए। जब मैं पहले दिन स्विमिंग का कवर कर रहा था तो वहाँ पे श्रीहरि नटराज का फाइनल में जाना स्विमिंग में, जो भारत में उसमें हम सुपर पावर नहीं है, एक नहीं दो नहीं तीन तीन इवेंट में फाइनल में जाना और फिर श्रीहरि नटराज का ये कहना कि मैं बनाऊंगा भारत को सुपर पावर। ये इस तरह की चीज़ें बहुत जज्बाती लम्हे थे। उसी तरह से भारतीय हॉकी टीम का सेमीफाइनल में अंपायरिंग फियास्को के बावजूद ब्रॉन्ज मेडल जीत जाना, मैं देख रहा था उस मैच को, कैसे उन्होंने कितने स्ट्रगल के साथ पूरे मैच को उन्होंने डोमिनेट किया और मैच में जा कर के न्यूजीलैंड को शिकस्त दी शूट आउट में और जा कर के ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसी तरह से रेसलिंग में साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया के मुकाबले में लाइव देख रहा था, एक एक दिन में 6 मेडल जिसमें 3 गोल्ड मेडल, फिर उसके दूसरे दिन भी मेडल स्वीप करना, तो बहुत ही प्राउड लम्हा था। और मेरा ये कहना है कि इस मर्तबा का परफॉर्मेंस गोल्ड कोस्ट से भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गोल्ड कोस्ट में आपको पता होगा कि 16 मेडल्स हमारे शूटिंग से आए थे, शूटिंग नहीं था इस मर्तबा मुकाबले में। इसके बावजूद भारत 61 मेडल, 22 गोल्ड मेडल के साथ इस मरतबा चौथे नंबर पे है। फॉरेन लैंड में आकर के झंडे गाना मामूली बात नहीं है। अच्छा होता कि अगर हमारी क्रिकेट टीम भी गोल्ड मेडल जीत जाती, लेकिन बहरहाल पहली मरतबा क्रिकेट को शामिल किया गया और आकर के वो सिल्वर मेडल जीत के गई, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस वो भी है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो थोड़ा सा दिल दुखा गई कि जो एथलीट्स हैं हमारे, ट्रैक एंड फील्ड में हमने 8 मेडल जीते, लेकिन जो भारत से आए हुए जो पत्रकार थे उनका फोकस क्रिकेट और उन तमाम खेलों पे था जो पॉपुलैरिटी ऑलरेडी हासिल कर चुकी है। तो जहाँ पे जैसे अनु रानी, संदीप कुमार जब ये मेडल लेकर के आ रहे थे तो कोई इंटरव्यू करने वाला उनके साथ नहीं था, बल्कि बेचारे संदीप कुमार ने तो मुझसे पूछा इंटरव्यू के बाद कि और कोई नहीं है, और मैं उनको क्या बताता कि सारे लोग क्रिकेट देख रहे हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ जो है एक थोड़ा सा दिल दुखा गई, लेकिन बहरहाल जो जिन चैलेंजेस के साथ और जिन बैकग्राउंड से हमारे ये एथलीट्स आते हैं, वहाँ से आकर के मेडल जीतना भारत के लिए, इतनी इज्जत हासिल करना इंटरनेशनल लेवल पे, बड़ा प्राउड लम्हा था। जो आखिरी चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ जो मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग था, वो ये था जो इंडिया पाकिस्तान के बीच की जो दोस्ती, हम भले ही सोशल मीडिया पे जितना भी हेट माहौल क्रिएट कर ले, लेकिन मेरे लिए जो सेटिस्फैक्ट्री जो चीज़ ये थी कि जब अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जब का रिकॉर्ड तोड़ा और वहाँ पे आकर के उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, पहली मर्तबा वो साउथ एशिया के एथलीट बने जिन्होंने 90 मीटर क्रॉस किया था जैवलिन में, और इंटरव्यू के बाद जब वो ये कहते हैं कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला नीरज चोपड़ा को जल्द से जल्द सेहत दे दे, और मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हम दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन में हिस्सा लें, और फिर उन्होंने ये कहा कि वो उनको मिस कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग मोमेंट था वो इंटरव्यू। मेरा उनका पहला इंटरव्यू था मेडल जीतने के बाद, और वो इंटरव्यू मैं आपको बता दूँ कि पिछले 24 घंटा भी नहीं हुआ है और 6 लाख से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया है। तो साबित ये हो गया कि प्यार का जो मैसेज है वो ज़्यादा फैलता है, नफरत नहीं फैलता है। फिर उसी तरह से बीनिश हयात पाकिस्तान की तरफ से मैच कॉमनवेल्थ गेम्स में मैच को ऑफिशिएट करने वाली पहली महिला थी जो यहाँ पे आई हुई थी,
और वो मैच देख रही थी जब भारत ब्रॉन्ज मेडल, भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेल रही थी, महिला टीम वो वहाँ पे थी, और जब मैं उनसे बात कर रहा था मुझे ये लगा कि वो इंडियन है, जिस तरह से वो खुशियाँ मना रही थी और कह रही थी कि हम जीत गए, बाद में पता चला कि वो पाकिस्तानी है। वो इंटरव्यू भी मैंने आज लगाया है, उस इंटरव्यू को भी आपने इतना प्यार दिया कि 2 लाख के करीब पहुँचने वाला है और अभी 6-7 घंटे। तो ये सब चीज़ें जो थी, मुराद अली बैडमिंटन के पहले राउंड में मुराद अली से जब मेरी बात हुई और वो हार गए इंडिया से मिक्स डबल्स में पाकिस्तान के, और उन्होंने जब ये कहा कि काश हमें इंडिया में जाने का मौका मिले और वहाँ खेलने का मौका मिले, वो इसलिए कह रहे थे कि इंडिया एक सुपर पावर बन गया है बैडमिंटन में, वो इतने गरीब हैं कि फॉरेन कंट्री में जाकर के अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इंडिया उनके लिए सबसे करीब एक सुपर पावर कंट्री है जहाँ पे जाकर के वो अपने लिए एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी नफरतें वहाँ पे फैलाई, लेकिन तशफ़ी की बात यह है, सेटिस्फैक्शन की बात यह है कि बहुत सारे हमारे इंडियंस ने उसका मुँह तोड़ जवाब भी दिया, उस हेट को, उस हेट मैसेजेस को काउंटर करने की भी कोशिश की। मेरे ख्याल में वैसे हॉकी में क्रिकेट में जब पाकिस्तानी कैप्टन बिस्मा मारूफ और दूसरे खिलाड़ियों से जब मेरी बात हो रही थी और उन्होंने भी यही कहा कि इंडिया पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ ज़्यादा मैचेस खेलना चाहिए, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, उन दोनों ने इसका सपोर्ट किया। उसी तरह से बैडमिंटन में भी जब मुराद अली ने कहा कि उनको इंडिया में खेलने की ख्वाहिश है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पीवी सिंधु और श्रीकांत किदाम्बी ने, ये सब वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर्स हैं, बड़े एथलीट्स हैं, इन्होंने कहा कि यस ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये फैसला चूँकि उनके हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट के हाथ में है, बोर्ड्स के हाथ में है, फेडरेशन के हाथ में है, तो वो ज़्यादा इस पर कुछ नहीं कह सकते। तो मेरे लिए ये बड़ा अचीवमेंट था कि अपनी छोटी सी कोशिश के ज़रिए मैंने एक प्यार का पैगाम बांटने की कोशिश की, और मुझे बड़ी खुशी है कि इसके ज़रिए थोड़ा सा प्यार फैलाने में मैं कामयाब रह गया। तो बहरहाल अब ये इमोशनल सीन है, सब जा रहे हैं, 11 दिन का सफ़र ख़त्म हुआ। आई होप कि आप लोगों को मेरी कवरेज पसंद आई, जो लव आपने दिया है मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। हमारे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।